नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में। हर दिन एक नया विवाद सामने आ रहा है। ताजा मामला मंगलवार की कार्यवाही के दौरान का है, जब चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कैबिनेट में दागी विधायकों को मंत्री पद देने का आरोप लगाया। साथ ही मंत्री मुकेश सहनी का नाम लिए बगैर हारे हुए प्रत्याशियों को भी कैबिनेट में जगह देने की बात कही, जिस पर गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने मुक्का दिखाते हुए अपनी बात रखी। इसके बाद देखते ही देखते विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया और प्रमोद कुमार से पूरे सदन से माफी मांगने को कहा। हालांकि मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि तेजस्वी उनके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मुकेश सहनी बेचारा अति पिछड़ा वर्ग का नेता बोल रहा था, वीआईपी सबको सुनने की साहस नहीं थी। कल मैं मेरे साथ जो व्यवहार किया उसके बारे में मैंने कहा कि सदन में माफी मांगू। जब सदन की मर्यादा अनुशासन की बात और सभ्यता और संस्कृति की बात कहते हैं नेता प्रतिपक्ष, तो इस बात को समझना चाहिए। विपक्ष के लगातार लगाए जा रहे इल्जामों पर मंगलवार को मंत्री राम सूरत राय के सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही के बाद मीडिया कर्मियों के सामने ही तेजस्वी यादव को ललकारा और कहा कि पटना के गांधी मैदान में आकर फरिया लें। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते कई दिनों से मंत्री राम सूरत राय पर शराबबंदी कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। कहा है कि नहीं हो तो गांधी मैदान में आके फर बिल्कुल उनको ये लगता होगा कि कौन सा व्यक्ति मुजफ्फरपुर से आ गया। वो मैंने कह दिया है कि मुजफ्फरपुर का घर मेरा है, पटना के अंदर मेरे भी लोग हैं, मेरा भी परिवार है, मेरा भी कुटुंब है, मेरा भी खानदान है। तुमको इच्छा हो, इतना अगर घमंड हो तो गांधी मैदान में झंडा गाड़ के फर दिया। बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड विधानसभा सत्र के मंगलवार की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने अवैध बालू खनन के मामले पर हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बालू माफिया को संरक्षण दे रही है। उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए मुख्यमंत्री से सदन में जवाब मांगा। बोल रहे थे वही बोला, हमने तो उनको सिंपल कहा कि भाई इस राज्य में बालू को लेकर के लोग परेशान हैं, क्योंकि परेशान नहीं है बल्कि काम भी बंद पड़ा हुआ है। पुलिस उसमें से भाया दोहन कर रहे हैं, पैसा वसूल कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में जितनी बालू घाट है मेरी जानकारी में 24 या 25 बालू घाट मात्र मिला हुआ है। शेष इलीगल तरीके से बालू यहाँ से बाहर जा रहा है। तो हम इतना ही चाहते थे कि भाई सरकार इतना तो करे। भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि सदन में सवाल पूछने के दौरान अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर फिकवा देने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर वो सदन में सवाल पूछ रहे थे, इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें ये बात कही। मेरा तीन पूरक प्रश्न पूछने का राइट है और ये राइट का हनन हो रहा था, तनाशाही रवैया अपनाया जा रहा था, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिए जब मेरा पूरक प्रश्न पूछने का राइट है तो मेरा राइट चाहिए। और बिहार में सरकारी स्कूलों में 437,310 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और दूसरी तरफ बिहार के लाखों हमारे पढ़े लिखे भाई बहन बेरोजगार है और बिना शिक्षकों के स्कूल में शिक्षक। बिहार के भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाकपा माले ने मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय के पास मंत्री के बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाकपा माले के नेताओं ने कहा कि मंत्री राम सूरत राय के स्कूल से शराब बरामद हुई है, ऐसे में नीतीश कुमार उन्हें तुरंत बर्खास्त करें। इस दौरान पार्टी नेताओं ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। अभी राम बाला जी बता ही रहे थे आपको कि ये जो औराई विधानसभा से जो अभी जीत के आए हैं राम सूरत राय जी, जो मंत्री भी हैं, और ये इनका कारोबार पहले से भी चल रहा था, ये शराब माफिया शुरू से थे, लेकिन ये अपना सत्ता का धौंस जमा कर ये बड़े लेवल पे काम कर रहे थे। चुनाव के समय में ही वो गाड़ी उनके स्कूल से बरामद हुई
और जो जिसने फोन करके बताया कि वहाँ पे शराब का खेप उतर रहा है आप पकड़िए, लेकिन पुलिस ने उल्टे ही जिसने इन्फॉर्मेशन दिया उसी को बंद कर दिया वो लड़का। धनबाद में हो रहे जमीन घोटाले के विरोध में कांग्रेस ने रणधीर वर्मा चौक पर अंचल अधिकारी और अवर निबंधन का पुतला जलाया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर शहर के स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। पुतला जलाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि धनबाद के अंचलाधिकारी और निबंधन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने सरकार से मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील कही है। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो भी अपने पद पर जमे हुए हैं, पता नहीं किस जोर पे जमे हुए हैं, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे हेमंत सोरेन जी की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी ऐसे पदाधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनकी जांच कराकर अविलंब उन्हें अपने उनके पद से। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर के सरकारी बैंकों में दो दिवसीय हड़ताल खत्म हो गई। सोमवार और मंगलवार को हड़ताल होने की वजह से देश भर के बैंकों में लाखों करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। वहीं खाताधारकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर भारी असर पड़ा। आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने हड़ताल किया था। यूनियन नेताओं ने दो दिन के इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के शामिल होने का दावा किया। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।